Are you a K-drama fan? If yes, then this video is for you because हम जाने वाले हैं famous K-drama locations पर जहां आपके और मेरे favorite K-drama shoot हुए हैं. So keep on watching. Hey guys, what's up? It's me, Priya, and welcome back to my YouTube channel. And in today's video, we are out in the streets of Korea and we are going to Gyeongbokgung Palace. I have dressed myself very appropriately, although hanbok nahi pehna hai, but it's a very like a traditional looking type thing in the colors of South Korea on theme, right? Perfect. Let's go. So guys, I'm just gonna do my outfit of the day quickly. Someone just stopped us for a cute little interaction. That was nice. बड़े लोग अच्छे हैं यार यहाँ पे. काफी ऐसे रोक के पूछ लेते हैं कहाँ से हम. But anyways, back to my outfit. This top that I'm wearing is from Shivani. Madame. Madame. The top is from Madame with all of the blue and red detailing on it. Very much on theme for Korea. The red pants again, blue and red. Yeah, the flag, right? It looks perfect. नीचे शूज है अगेन जो मैं रोज पहन गई थी फ्रॉम अमेज़न. भाई पता लग रहा है मेरे को नहीं आती कोई. थोड़ा बहुत चला लिया था मेरे काम, नहीं आती मुझे. वो अंकल अपनी शुद्ध कोरियन में. हाँ, उनकी इतनी प्योर शुद्ध कोरियन मास्क के पीछे मेरे को सुनाई भी नहीं दे रही. क्या? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं. मैंने सोचा है मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ, बस मेरा हो गया है. आई एम गोना जॉइन दीज गाइस और शांति से जियूंगे. नहीं, मैं संन्यास ले रहा हूँ इस जिंदगी से. नहीं, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं साधु बन के रहूंगा वहाँ पर. फोटो ले रही है, कुछ हो रहा है. ये सूप फैल गया बेचारे का. कोई बात नहीं, अब पीछे से ही ठीक है. अच्छा गाना सुनने की बात है ना, वो कितना अच्छा बजा रहे हैं. फोटोज लेने लग रहे हैं ये, मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ. और कितनी 10 करोड़ ले लिया है. इंडिया Apparently, Gyeongbokgung Palace is the place where BTS filmed their performance video for Idol and one more song. But ha, they filmed those performance videos here, and just to be here feels really nice. The colors of the palace kind of matches my this outfit detailing thing, so I'm really happy about it. It feels nice. Everyone is dressed in hanboks and you know, their traditional dress. अभी थोड़े पहले हमको यहाँ से एक king के outfit में भी कोई जाता हुआ दिखा था, which I feel like there is a thing here. अगर किसी ने king के outfit पहन रखी होती है, so everyone like respects that person जिसने वो outfit पहन रखी होती है. I think just out of like ठीक है. Like, he's wearing the king's outfit, right? But yeah, that's a nice, nice little thing. Everyone is wearing hanboks here. Everyone is looking so pretty. Shivani bhi vlog kar rahi hai udhar, main bhi vlog kar rahi hu. Mausam acha raha hai, the vibe is good. Iske piche na, pata hai, here is this small little sun mountain, sun, which also adds to the vibe. Yahan pe palace hai, aur uske piche we see these buildings, like such a modern एंड अ ट्रेडिशनल मिक्स. क्योंकि तुम्हें स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे हैं और पीछे पैलेस है. अपेरेंटली वी गॉट टू एंटर द पैलेस फॉर फ्री विदाउट द टिकट. हम इतनी देर से पूछ रहे थे लोगों से कि टिकट कहाँ से लेनी, टिकट कहाँ से लेनी है. वी गॉट टू एंटर विदाउट द टिकट फॉर फ्री फॉर सम रीजन. एंड आई ऑल्सो थिंक इट वॉज अबाउट टू क्लोज, पता नहीं किस लिए, बट वट एवर, वी आर इन द पैलेस नाउ. The thing is, it looks very big. मतलब जो K-dramas में जितना दिखता है ना, उससे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है. हनरी नरे उन्दोगल लेरी जाना. यो ची चंदमा जानियांगा.
लोगों से पूछ मैं कैसे करूँ, अच्छी ना लोगों से पूछूं? पूछ ले लोगों से, इन लोगों से, तेरे वीडियो वाले, वीडियो वाले लोगों को तो बड़ी अच्छी लगेगी, तो तेरी आउटफिट अच्छी है, डॉल एस्थेटिक। अभी अभी कुछ गाना सा शुरू हुआ यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शिवानी गांगे भी को वीडियो लगवानी है अपनी, उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, हो गई मैं ढूंढे अब। जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बस एक ही मेरी इकलौती प्रॉब्लम ये है, इट फील्स लाइक अ वेरी टूरिस्टी डेस्टिनेशन, और वो है, मैं जानती हूँ, लाइक इट्स अ पैलेस कि वो होगी है, बट आई जस्ट विश कि यहाँ पे मैं एक ढंग की ऐसे फ़ोटो ले पाती जहाँ पे लोग ना दिखते, जिसमें पर भीड़ ही इतनी है, मैं क्या बताऊँ। जितना ज़्यादा हम पास जाते जा रहे हैं ना पैलेस के, उतनी ज़्यादा डिटेल्स देख पा रही हूँ मैं, एवरीथिंग इज लाइक ग्रीन ब्लू रेड, इतने सारे वो कलर्स वगैरह, स्पेशली जो मेरी आउटफिट में, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, आई एम गेसिंग उसके ऊपर आई डोंट नो यार शिवानी पहन मजे आने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सही में अंदर से भाई, वो जब के ड्रामास देखते हैं ना, उसके अंदर वो जो राजा हिस्टोरिकल के ड्रामा में बैठा होता है और वो सब पूरा सीन होता है, उनकी सभा लगी होती है, वो है वाला भाई। अरे मेरे को भी देखना है, चल अंदर चल। थिंक यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स जो होते थे, मिनिस्टर्स एंड ऑल, वो होते थे, आई एम गेसिंग, आई हैव नो आइडिया, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि मैं पढ़ सकूँ, बट This looks and feels very nice and Kerala, like अंदर अलग ही शांति obviously, क्योंकि कोई भी जा नहीं सकता। I am also standing here outside and एक विंडो के थ्रू ही देख सकते हैं हम, but it feels so serene and nice. Main structure type बना हुआ है, है ना, एंड यहाँ पे कुछ फेक प्लांट्स लगे हुए हैं मेटल के। What's interesting is यहाँ पे ब्रेल में भी बता रखा है, so someone can read. The only thing is English में नहीं है, ब्रेल तक है, English नहीं है। यहाँ पे कितने सारे केरामाज फिल्म हुए हैं, आल्सो बिकॉज़ इट फील अनफेमिलियर, बिकॉज़ मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ हिस्टोरिकल केरामाज में, हरम यहाँ फिल्म हुआ होगा, बहुत लाल लाल देख के तुम जैसे ही लगा, नेगा वांगीदा शिनगुके वांगीदा। ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बीच में जो नदी है, ठीक है, यहाँ पे खड़े होते होगी रानी, वहां से आता होगा पैलेस से राजा, और एक दूसरे को देखते होंगे फिर वो, और फिर उनकी नैन मटका होता होगा। जो मैंने अभी बोला, पता ये क्या था, ये पुराने हिस्टोरिकल शोज होते थे ना जो इंडिया के, उनमें ऐसे डिस्क्राइब करते थे, है ना, ऐसे करते थे ना, तो मैंने भी बस सही किया। Day 2. So as we are here finally at Coex Mall, बहुत ही लंबा रास्ता था, but Coex Mall Starfield Library वहाँ है, और ये इंटरनेट पे इतना सुंदर दिख नहीं जाता जितना सुंदर असली में है। सही बात है, इंटरनेट पे तो पता नहीं बड़ा फीका सा दिखा रखा था, अभी तो यहाँ पे बड़ा मस्त हो रखा है, ये देखो। See you again, Coex. ये हमारे को बाय भी कर रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से, आपका हो गया। बाकी छोड़, ये स्टार्ट है यहाँ पे लिखा है, देख कहाँ, ओ शिराक है। हाय शिवानी, वी आर इन द Coex Mall Starfield लाइब्रेरी। यस वी आर। यू नो हाउ मैनी के ड्रामास आई हैव सीन दिस लाइब्रेरी इन, है हाँ, मतलब इतने सारे में, और मैं बस सच्ची बता रही हूँ, कभी मेल लीड, कभी फीमेल लीड वहाँ खड़ी होती है, उधर बैठ के बुक पढ़ रही होती है, बुक ढूंढ रही होती है भाई। And like just the fact कि हम एक book library वाली place में, also like reminds me of my love for BTS and Namjoon. But it's just surreal to be here. इतनी apart from this K-drama K-pop वाला fact, just the fact कि हम यहाँ हैं, इतनी बड़ी library है, मैंने नहीं देखा कभी ऐसे। किस चीज़ की बुक है? मियाओ शिवानी बहन, मैं ऊपर जाके अगर कोई बुक देखूँ भी तो क्या वो कोरियन में होने वाली है? आई थिंक सो। नहीं मिलेगी मुझे? नहीं होगी, आई थिंक होगी ऑप्शंस तो।
थोड़ा सा ना जाने में अजीब भी लग रहा है क्योंकि सब लोग बैठ के यहाँ बेचारे पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आई मीन लाइक, और हम यहाँ मजे के लिए जा रहे हैं। यहाँ रखिए बुक ना, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ओह ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये तो कोरियन में है। ओह माय गॉश, मैं क्या पढ़ूंगी? मैं फन साइंस पढ़ती हूँ। ये इंडियन जैसी नहीं लग रही, मुस्लिम यार। ये कितनी सही लग रही है ना बुक, पता नहीं किस चीज़ की है। फन साइंस, फन साइंस क्या होता है? साइंस लेकिन फन तरीके भाई से। इसमें पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स वाली बुक्स आर द बेस्ट। वो बात अलग है, जो चार शब्द इसमें लिखे भी हैं वो कोरियन में है, तो समझ तो घंटे यार। चल चले मितवा, चलो मितवा। Guys, I'm literally here at the freaking Starfield Library. This is so surreal and cool and fun. Shani नीचे चली गई है, I want my mask. I don't know, उसके पास है, मेरे को उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ गई थी, बड़ी लाइब्रेरी में मैं खो जाऊँगी। भाई शिवानी, मेरे को लगा था एक दो तो बुक होंगी जो इंग्लिश में होंगी, या तो सारी ही कोरियन में है। आई थिंक कोई और सेक्शन होगा इंग्लिश। ओ ये है, ये विल स्मिथ की बुक है, तो वो भी कोरियन में ही है ना, चाहे विल स्मिथ की है, क्योंकि यहाँ पे लोग कोरियन ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। हाँ वो भी कोरियन में है भाई। दिस ग्रेटेस्ट सीक्रेट करके वो जो सीक्रेट वाली बुक नहीं थी, वो भी कोरियन में है भाई। आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक, ठीक है चलो ऑब्वियसली कोरियन में ही हो। ये बुक कितनी ज़्यादा सुंदर है, ये बुक कितनी ज़्यादा सुंदर है, देखियो ये देखियो भाई, कितनी एस्थेटिक है यार ये। गाइस हम हैं इस वक्त खांगनाम में, द ओ सो फेमस खांगनाम स्टाइल वाला खांगनाम, एंड द वाइब्स आर सो कूल। लाइक सोल है एक जगह, ठीक है, बट जिस एरिया में हम थे ना, विच इज़ लाइक खांडेवा के ऊपर वाला एरिया, वो बिल्कुल ही अलग है देन दिस वाला पार्ट। दिस इज़ मोर लाइक गुड़गांवश, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली क्या होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। साउथ दिल्ली क्या होता है? दिल्ली का साउथ वाला हिस्सा। अरे लेकिन कौन सा वाला है वो नहीं पता ना मेरे को, जहाँ पे वो है लग्जरी वॉक। यस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें लाइट जली हुई है। यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स और जगह है यहाँ कि कोई एक वियर्ड सा आर्किटेक्चर है। नहीं बड़ी बिल्डिंग्स इज वन थिंग, बट देन ये यहाँ पे थोड़ी वियर्ड शेप वाली बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि वो गोल बिल्डिंग है। अब गोल बिल्डिंग बनाने का क्या सेंस है ये बताएगा कोई मेरे को? उस बेचारे को किसी को जगह वेस्ट कर दी, पैसे वेस्ट हुए उसको काटने में और करो। एनीवेज कोई बात नहीं, मेरे को क्या है, वो बेचारे के पास होंगे पैसे, कर लिए खर्च। यहाँ पे पीछे आर्किटेक्चर बना हुआ है जो हमें सोल में पूरे में पता है काफी जगह मिले देखने को। वहाँ लीसा दिख रही हूँ मुझे बुल्गारी के एड में। पीछे पे मेरे वो है, क्या कहते हैं वो, जो वो नहीं होता 3D स्क्रीन। हाँ वो 3D स्क्रीन, वो जो कोएक्स मॉल के सामने वाली 3D स्क्रीन है, जिसमें से हमें गाड़ी और वो शेर निकलता हुआ देखने को मिला बहुत बारी वायरल वीडियोज में। मैं यहाँ हूँ भैं, गाड़ी आ रही थी, गाड़ी के डर में मेरे को भूल गई। तो बेसिकली वो है, एंड द वाइब्स आर रियली नाइस, रियली कूल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं फॉर सम वेरी वियर्ड रीजन कट सीजन में, आई हैव नो आइडिया व्हाई, पता नहीं क्यों आ जाओ। ओए यहाँ पे फोटो लेनी है मेरे को। नोप। Day 3. Hey guys, so this is my outfit of the day. I am wearing this top which I got from Myntra. The pants are from Shein. बहुत पहले ली थी, अब जाके इनका मौका पड़ा है पहनने का। The shoes are from Amazon. This is from 7-Eleven. My phone is nothing phone. Link in description. जाके देख लेना करीब में ना। ओ फिसल और जाऊं मैं, इतनी चढ़ाई करके आए हम ऊपर, हर बार क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमें सिर्फ एक जगह जाना है, नामसान टावर। तीन बार कोशिश कर चुके हैं, हर बार बारिश हो जाती है, अब जैसे तैसे भगवान को भैरा फसला के रोक रखी है, चढ़ाई करो, पूरी मेहनत हो रही है हमारी। हम चल रहे हैं बहुत सारी चढ़ाई पे, और मेरे पीछे है नामसान टावर। ये रहा, देयर यू सी इट, शानी भाग जा रही है अकेले के लिए, मेरा इंतजार भी नहीं कर रही। कदम कदम बढ़ाए जा, मस्ती के नहीं खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये कितना क्यूट सा कॉफी शॉप है नामसान टावर के पास।
आखिरकार बारिश हो ही गई और हमें छतरी हमारी अम्ब्रेला खोलनी ही पड़ गई। दैट्स ओके, एटलीस्ट वी फाउंड अ शॉर्टर वे। एक्चुअली हम जा ही गलत वे पे रहे थे, हम लंबे रास्ते पे जा रहे थे और यहाँ पे आना था हमें केबल कार्ट वाली जगह पे। Guys, sunset हो रहा है, does that mean we'll get to see the sunset? क्योंकि हम बस ऊपर ही जाने वाले हैं। और यार कितना सही व्यू है, यहीं से इतना अच्छा लग रहा है, वहां पे तो क्या ही होने वाला है ऊपर। सड़क देखो कितनी अच्छी है, कौन सी ये? ओ हाँ वेरी बिग वन। ऑल्सो अभी अभी मैंने ना कुछ इंडियंस को लाइन में देखा, मतलब एक दो नहीं काफी सारों को, श्रीलंकन हुए थे, नहीं वो इंडियंस हैं। आई कैन फील इट, कैन यू फील इट? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Toasty! मेरे को तो पहली चीज यही विश्वास नहीं हो रहा कि हमें यहाँ तक आने में इतनी रात सी हो गई। हम 4 बजे निकले थे और इस वक्त के 7 बजे रहे, इतना टाइम लगे हमें यहाँ आने में, इतनी ज्यादा भीड़ थी। बट गाइज यहाँ पे आई एम एट द ओ सो फेमस लव लॉक हार्ट लॉक वाला एरिया। बिहाइंड मी देयर आर सो मेनी एंड इट्स ऑल्सो कलरफुल काइंड ऑफ मैचेस विद माई टॉप। इसके ऊपर भी लिख कर चले गए यार लोग। You know guys what this feels like? मेरे दिमाग में ना वो सीन आ रहा है बॉयज ओवर फ्लावर्स का वाला जो सीन नहीं था बॉयज ओवर फ्लावर्स का, जिसमें वो जाता है एंड्रोल टावर के ऊपर आता है, मतलब वही वाली फील आ रही है। क्योंकि हम एक तो रात को भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और बिल्कुल वैसा लग रहा है और वाइब बहुत ज्यादा। I found somebody, I say you don't cross my mind. She doesn't know that your favorite place is still mine. This place is like so famous for love vlogs, because तू गलत इंसान के साथ आई है। हाँ मैं क्या करूँ, shit यार मेरे तो नसीब हो गए। But यार ये देखोगे, like look at this, it's also a freaking heart. Love everywhere. Maybe you could say that you love your sister. Nope. मेरे से गलती हो गई। कभी ना कभी कुछ ना कुछ बैड डिसीजन हो ही जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा है और ये जो टॉप है मेरा, ये है नेक का, तो अब इसके अंदर से जो एयर कंडीशनिंग बन रही है ना, यहाँ पे कितने सारे के-पॉप ग्रुप्स के नाम लिख रखे गाइस। देयर इज BTS, देयर इज TXT, सब लोगों ने अपने अपने नाम भी लिख रखे हैं। देयर इज ब्लैकपिंक, हाँ यहाँ पे कितना कुछ लिखा हुआ है। Guys, a dolphin, a whale type of a thing. This reminds me of Attorney Woo wala show. Extraordinary Attorney Woo. Oh, badal gaya. Now we're in what, like space, universe, with Shivani. Blackpink in your area? यहाँ पे भी वही drawings वगैरह बनी हुई हैं। ज़्यादा मन कर रहा है आज मेरा राजमा चावल खाने का, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा ना सब कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे पॉपकॉर्न भी खाने हैं, मुझे राजमा चावल भी खाने हैं। राजमा चावल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब यहाँ से कहाँ से लाएं? सुंदर लाइट्स लगी हैं। हम तो लाइटों पे बह लेते हैं यार, बाकी तो और ही क्या। हम तो आसान सिंपल लोग हैं क्या। हाँ ये मैंने पता वहाँ से देखा था, सीढ़ियों पे ये बन रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है हम खो गए हैं थोड़ा सा। हम अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं जबकि हम एक फ्लोर नीचे उतरे थे। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इसके नीचे लिखा था कि इस फ्लोर पे ये है, पर उस फ्लोर पे तो वो था नहीं, हम खो गए शायद। मैं तो क्या ही बोलूँ, लेट द व्यू स्पीक फॉर इटसेल्फ। प्रिया का बैकग्राउंड एकदम मस्त मैच हो रहा है, फील्स लाइक द राइट फिट। All of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were.
always think about you till First Avenue. That's when I do. हम ना जस्ट बच गए, हम 3 घंटे से लाइन में लगे हुए कि नीचे उतरेंगे और हमसे पीछे वाले लोगों को हमसे मन के बोलते हैं लाइक वेट बस लेकिन वो लास्ट पीपल टू गो आउट फॉर दिस मैच नहीं कर सकती थी ऑन दैट थक चुकी हूं यार बहुत ज्यादा. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive. Thank you so much for watching today's video. I hope you enjoyed it. If you did, please make sure to subscribe to my channel and do not forget to turn on the bell notifications so that you get notified every single time I upload. Main apni jaan pe khelte kyun bol rahi hu ye cheez. Bye. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Sometimes I don't even know where I'm going at first.